नमस्कार, मैं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी जलारी। शहर के नंदन वन में फ्लैट बनाकर देने के नाम पर 12 लोगों से करीब 1,21,00,000 रुपए वसूल करने के 2 वर्ष बाद भी फ्लैट नहीं बनाकर देने वाले 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत प्लॉट क्रमांक 229 गुरुदेव नगर नंदनवन समेत 11 लोगों को प्लॉट क्रमांक 288 नटराज अपार्टमेंट नंदनवन निवासी आरोपी पांडुरंग महादेवराव मुरलाड, शिव अपार्टमेंट कोतावली निवासी नितिन कृष्णराव तुंगार, कृष्ण नीलखंड भगत ने अपनी क्रिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी खोली। कंपनी के माध्यम से करीब 12 लोगों को 2 वर्ष में फ्लैट बनाकर देने का लालच दिया। इस कंपनी के लालच में आकर शिकायतकर्ता वैशाली घिये व अन्य 11 लोगों से आरोपी ने करीब 1,21,91,000 रुपए ले लिए, किंतु 8 वर्षों बाद भी किसी तरह का फ्लैट इन लोगों को बनाकर नहीं दिया। लोगों ने पैसे वापस मांगे तो वह इसे लेकर टाल मटोल करते रहे। उनके साथ ठगी किए जाने का संदेह होने पर इसकी शिकायत लोगों ने पुलिस में की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आज के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज़।